हे गाइस सैली यार और दोस्तों, आज मैं फिर से आज हूँ आपके एक नई वीडियो लेके। और आज की हम बात करने वाले हैं कि अपने हेयर में अच्छी तरह से मतलब जो हाई वॉल्यूम होता है वो आप कैसे दे सकते हो। और काफी सारे बंदों के कमेंट्स आए थे, भाई आप अपने हेयर कैसे सेट करते हो, लाइव करके दिखाओ। तो आज मैं करके दिखाने वाला हूँ अपने हेयर को सेट। और मतलब ये इंपॉर्टेंट तभी होते हैं जब आप कहीं फंक्शन पार्टी में जाते हो, जहाँ पर आपके जो हेयर हैं वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं और जहाँ पर आप अपने हेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो। तो अगर आपको अपने हेयर को सेट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो जो भी कन्फ्यूजन जो भी दिक्कत है वो आज की वीडियो में खत्म हो जाएगी और हम पूरा डायरेक्टली बात करते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन में कोई भी बात नहीं रहेगी। तो इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो भाई मतलब तबाही मचा रहा है, जाके आप देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप जाते ही फॉलो कर दोगे। तो हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो बेसिकली को मतलब कोई बंदा बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मतलब ज्ञान लेके घर पे बैठ जाओ, फिर बाद में अगर कहीं आप बाहर जाते हो किसी भी मिलने कोरोना के बाद और मतलब लॉकडाउन के बाद, तो फिर जो कोई बंदा है तो आपको देखे तो मतलब बोले भाई ये तो बंदा पूरा चेंज है और मतलब हेयर स्टाइलिंग इसकी काफ़ी अच्छी हो गई कि बंदा फेयर भी हो गया। और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई है फेयर के लिए भी, आप लॉकडाउन में जो कर सकते हो वो जाके आप वाली वीडियो देख सकते हो। तो जो मैं करता हूँ, जो मैं करके बाहर निकलता हूँ, सेम वही मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ पांच टिप्स है जिसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो फिर आपको जो हेयर है मतलब काफ़ी मस्त रहेंगे, चाहे कितनी भी आंधी तूफान मतलब ज़्यादा हो गया मतलब ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे टाइम तो जो आपके हेयर है वो टिक जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टिप। तो फर्स्ट टिप जो हमारे पास आती है वो होती है अप्लाई हेयर वैक्स ऑन वेट हेयर। तो अब आप सोच रहे हो ये क्या है, मतलब ये क्या चक बोधी है। तो जब भी अपने हेयर को वेट करके आते हो तो आपको वेट हेयर में अपने हेयर वैक्स को अप्लाई करना है। तो एज ए प्री स्टाइलर हम अपने हेयर वैक्स को यूज़ करेंगे अपने वेट हेयर में। तो ज़्यादा आपके जो हेयर है वो वेट नहीं रहने चाहिए, आपको टॉवल ड्राई करना है, हल्के वेट रहने चाहिए। फिर उसके बाद अपने हेयर में आपको वैक्स लगाना है। एंड देन हेयर वैक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड टिप आती है हमारे पास वो होती है ब्लो ड्राई। तो आपको अपने हेयर को पूरा ड्राई करना है, अच्छी तरह से आपके पास ड्रायर होगा उससे आपको अपने हेयर को ड्राई कर देना है। तो यहाँ पर जो अब हमारे हेयर है वो पूरे अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और अभी हमने कोई इसको पोजीशन नहीं दिया, तो आपको पोजीशन देने के लिए क्या करना है। तो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टिप आती है वो होती है ब्लो ड्राई इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे अगर आप अपने हेयर को राइट साइड में रखते हो तो फिर आपको उसको लेफ्ट साइड में करना है, और अगर आप अपने हेयर को लेफ्ट साइड में रखते हो तो फिर उसको आपको राइट साइड में करना है, मतलब आपको पूरा अपोजिट कर देना है। तो अभी जो मेरे हेयर है वो राइट साइड में है तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा, मतलब उसको दोबारा से इसको लेफ्ट साइड में करना होगा। तो फिर आपको जो ब्लो ड्रायर है वो लेफ्ट साइड में आपको करके करना होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे जो हेयर में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ चुका है। और जैसे आप अपने हेयर में ड्रायर लगाते हो और उसको अपोजिट साइड में करते हो तो फिर जो इंस्टेंट वॉल्यूम है वो आपको देखने के लिए मिलता है और जो पूरा नेचुरल होता है बिना किसी हेयर वैक्स और जेल के। और ऐसे आपको ये प्रोसेस करना है। और फिर जो हमारे पास फोर्थ प्रोसेस आता है वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है हेयर वैक्स, और ऑब्वियसली ये आपको लगाना पड़ेगा। तो हेयर वैक्स मैं यूज़ करता हूँ अर्बन गबरू 0 to Infinity, और इसका जो होल्ड है जो उसका लुक है वो काफ़ी मस्त आता है और आपके ये हेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देता है। और अगर आपको वॉल्यूम की कोई भी दिक्कत होती है कि हमारे जो हेयर है वो अच्छी तरह से स्टाइल नहीं हो पाते, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्बन गबरू का जो हेयर वैक्स है वो बाय कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो अभी इस वीडियो में भी मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, तो अभी मैं इसको जल्दी से यूज़ करूँगा। तो हेयर वैक्स लगाते टाइम आपको अच्छी तरह से उसको अपने हैंड्स में इमल्सीफाई करना है, जिससे क्या होगा जो आपका हेयर वैक्स है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। तो काफ़ी सारे बंदे को मतलब जल्दी रहती है, वो डायरेक्टली यू करके अपने हेयर में लगा लेते हैं, फिर भाई बोलते हैं कि भाई खड़े नहीं हो रहे, क्या हो गया मतलब ये। तो आपको अच्छी तरह से उसको इमल्सीफाई करना है, फिर उसको अच्छी तरह से आपको लगाना है ताकि जो हेयर वैक्स है वो इनविजिबल हो जाए आपके हाथों में ही। तो यहाँ पर जो हमारी हेयर स्टाइलिंग है वो हो चुकी है और यहाँ पर मतलब बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे देखते रहना। तो अभी जो हमने हेयर वैक्स है वो अच्छी तरह से लगा लिया है, और अब यहाँ पर आप चाहो तो राउंड ब्रश यूज़ करके अपने हेयर को अच्छी तरह से सेट कर सकते हो। और वैक्स लगाने के बाद आपको अपने हेयर को अच्छी तरह से सेट करना है, जैसे भी आप सेट करते हो। और सेट करने के बाद जो हमारे पास फिफ्थ टिप होती है वो होती है हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे लगाना आपको काफ़ी जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जब भी अपने हेयर को हेयर वैक्स से स्टाइल कर लेते हो उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपके जो हेयर है वो थोड़ी देर में खराब हो जाते हैं। तो हेयर स्प्रे उसी चीज़ को रोकने के लिए होता है। जब भी अपने हेयर में हेयर स्प्रे अप्लाई कर लोगे तो फिर आपके जो हेयर हैं वो पोजीशन पर लॉक हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ गेट्सबी का हेयर स्प्रे, और जो भी आप यूज़ करते हो आप ले सकते हो। और गेट्सबी का मैंने स्पेशल रिव्यू भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और जिसका परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जिसका होल्ड है वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। तो मैं भी यहाँ पर यूज़ करूँगा गेट्सबी का हेयर स्प्रे, और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही आपको यूज़ करना है। और जब भी आप हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको अपनी आँखों के ऊपर मतलब ऐसे हाथ रखना है, ऐसे करके फिर आपको इसको लगाना है। और इससे क्या होगा मतलब आपकी जो आईज़ है वो डैमेज नहीं होगी, मतलब इसमें केमिकल होता है तो आपकी आंखें जो है वो डैमेज हो सकती है। तो आपको दूर से अप्लाई करना है और अपनी आंख को आपको ऐसे ढक लेना है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी हेयर स्टाइलिंग है वो पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब जो हमारे हेयर है वो पूरी अच्छी तरह से सेट भी हो चुके हैं। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो फिर आप इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। और
यही थी वीडियो जिसमें आपको बताना था कि आप कैसे अपने हेयर को सेट कर सकते हो प्रॉपरली वे में और लॉन्ग टाइम तक कैसे सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे भाई हेयर स्टाइलिंग के ऊपर वीडियो नहीं आई, तो वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी वेले बैठे होंगे और मेरी वीडियो देख के मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो उनका ही फायदा है। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है और हेयर स्टाइलिंग हेयर कलर और ग्रूमिंग के ऊपर वीडियोज़ देखनी है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल का जो आइकन है उस पर भी टैप कर लेना। तो बस मिलेंगे ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।